हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज मनी। मनी मतलब पैसा, ठीक है। मनी आप सभी जानते हैं हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, नोट्स हैं, 55 का, 20 का, 50 का, 100 का, ये सब नोट्स हैं, ओके। और ये जो है ये पैसा है, ये कितना पैसा है, 50 पैसा, ओके। हमेशा याद रखिएगा 1 रुपी मतलब कितना है, 100 पैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा, ओके। और अगर आपको कहा है कि रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो आपको क्या करना होगा, 100 से उसका मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, इट मीन्स आपको सिंपली इस डॉट को हटा के एज इट इज़ आंसर लिखना है, और यहाँ पर एंड में क्या लगाना है, रुपीज़ की जगह पैसे, ठीक है। इस तरह से भी आप शॉर्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट वे में। और अगर आपको पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2400 पैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, 24 के बाद दो नंबर से पहले, लास्ट की 2 डिजिट्स से पहले डॉट लगा देंगे। ये डॉट लगाया, इट मीन्स अवर आंसर इज 24.00 रुपीज़। ऐसे ही देखिए 3850 पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करना है आपको रुपीज़ में, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स के पहले डॉट लगा देंगे। ये डॉट लगा दिया, हमारा आंसर हो गया 38.50 या फिर 38 रुपीज़ और 50 पैसा। जो लास्ट में रहता है उसे पैसा बोलते हैं, और आगे जो रहता है उसे रुपीस बोलते हैं। नाउ कम टू द रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। ये रुपीस में है, ये पैसे में है, आपको गिवन है डिजिट्स 20 रुपीस 80 पैसा प्लस 75 रुपीस 50 पैसा। आपको सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है, इनको ऐड करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 96 रुपीस एंड 30 पैसा। नेक्स्ट देखिए, 140 रुपीस 0 पैसा माइनस 75 रुपीज़ 0 पैसा। अब यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना है, रुपीज़ और पैसे गिवन है आपको, आंसर क्या आएगा, 65 रुपीज़ 0 पैसा। नेक्स्ट देखिए, रुपीज़ एंड पैसा गिवन है, इनकी वैल्यूज़ से देखिए 25 रुपीज़ 50 पैसा को मल्टीप्लाई करना है 6 पैसा से। मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0s are 0s 6 5s are 30 0, कैरी 3 ईयर, 5 6s are 30 plus 3 33, राइट, 3 कैरी ईयर, 6 2s are 12 plus 3 15, सो 153 रुपीज़ एंड 0 पैसा इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इज डायरेक्टेड। आपको इनको कन्वर्ट करना है, 650 पैसे को किस में करना है, रुपीज़ में करना है। आपको बताया था, देखिए रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप एक और ट्रिक कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब भी यही होता है कि लास्ट 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाना। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो गया है, ₹6.50, ओके। लास्ट 2 डिजिट्स के पहले डॉट लगा दिया, तो हमारा आंसर हो गया, ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में। बट आप साइन ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सॉरी, आपको ये मैंशन करना है कि रुपीज़ है, नहीं तो आप पैसे लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 92 रुपीज़ 45 पैसे इंटू पैसे। अब आपको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमें सिर्फ इस डॉट को हटाना रहता है। रुपीज़ में करने के लिए डॉट लगाएंगे, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए डॉट हटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9245, या फिर हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, ₹50.75 इंटू पैसा। हमें इसमें क्या करना है, इसको भी पैसे में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स के पहले से डॉट को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5075 पैसा। नाउ वर्ड एंड प्रॉब्लम्स ऑन मनी। बेला टुक ₹50 to school। बेला स्कूल में कितने रुपए ले जाती है, 50 रुपए। शी स्पेंट ₹27.50 टू बाय अ नोटबुक एंड अ पेन। अब उसने एक नोटबुक और एक पेन खरीदा, कितने का, ₹27.50 का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितना पैसा बचा है ये आपको बताना है। जहाँ भी लेफ्ट का नाम आएगा, लेफ्ट वर्ड आएगा, इट मीन्स आपको क्या करना है, कितना बचा है मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल उसके पास था 50, उसने स्पेंड कितना किया है, 27 रुपीज़ 50 पैसा। आपको इसको 50 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 27.50, जो भी बचेगा वही उतना पैसा उसके पास, बेला के पास बचेगा, और वही हमारा आंसर होगा। फोर्थ है, राजा स्पेंट ₹45 टू बाय अ नोट बुक्स।
राजा ने 45 रुपीज़ की क्या खरीदी? नोटबुक्स खरीदी। रुपीज 25.50 बाय पेंसिल्स। पेंसिल कितने की खरीदी? 25.50 की। और 75 रुपीज़ की एक बुक खरीदी। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? तो उसने टोटल मिलाकर कितना पैसा खर्च किया है इन सब में, पेन, बुक्स, नोटबुक्स वगैरह में? ये आपको बताना है। टोटल जहां पर भी आ रहा है या स्पेंड ऑल टुगेदर आ रहा है, इट मीन्स आपको ऐड करना है या प्लस करना है। तो देखिए, ₹45 + ₹25.50 + ₹75, इनको ऐड कर दीजिए, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹15.45। एक पेन की कॉस्ट दिए हुई है आपको ₹15.45। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ सिक्स सच पेन्स। तो आपको सिक्स पेन्स की कॉस्ट बतानी है। हम क्या करेंगे, देखिए वन की गिवन है और सिक्स की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, 15.45 में सिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वही सिक्स पेन्स की कॉस्ट होगी। नाउ स्टूडेंट, सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर मैथ्स रफ कॉपी और इंग्लिश कॉपी। थैंक यू।